एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है अजमल, मैं हूं इस्बा, मैं हूं अली। सो गाइस, वेलकम बैक कहते हैं आपको अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, हमारी वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इस वीडियो में हम देखेंगे माता सीता, जिनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, माना जाता है कि पूजा की जाती है स्पेशली इंडिया के अंदर। तो आज हम उनकी वीडियो को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो और उसके बाद करते हैं रिएक्शन। बिल्कुल अच्छी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप इतनी खुश क्यों हो रहे हो? सीता माता का जन्मोत्सव जो आ रहा है। आज्ञा दीजिए मुझे माते। माते? जिसे स्वयं धरती माँ ने जन्मा हो उसका आदर इसी नाम से होना चाहिए। इसलिए हम अपनी पुत्री को सीता बनाएंगे। जिनकी एक डाल से दूसरी डाल झूलते हम उस पार पहुंच जाए। तुम्हें किस सहारे की आवश्यकता है हनुमान? तुम्हारी एक छलांग तुम्हें 100 योजनों की दूरी ले जाए बिना माथे पर फल लाए। तुमने इससे कई बड़ी बड़ी दूरियों का लगाया है हनुमान, याद नहीं? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? गिनते हैं, ईश्वर, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, प्रेत, स्वर्ग और पाताल में रहने वाला हर प्राणी, एक के एक प्राणी को भूल बैठा धरती पर रहने वाला मनुष्य। आप श्री राम, रावण का वध आप कर सकते हैं।
विश्राम देहि। कौन हो तुम? अरे दशरथ पुत्र राम, तुमने मेरे विरुद्ध सुग्रीव का साथ क्यों? रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है, उसे वापस लाने के लिए सुग्रीव मेरा साथ तभी देंगे जब उनका राज्य उनके साथ। एक बार मुझसे कहते, पलक झपकते उस राक्षस के दसों सर आपके पैरों में होते। एक रावण से लड़ने के लिए दूसरे रावण की सहायता। अपने खोए धर्म को फिर याद करो ताकि जो शांति तुम्हें जीवन काल में न मिले इस मृत्यु में मिले। राजकुमार रावण, ये क्या कर रहे हैं? जो हमें करना चाहिए। इससे पहले कि रुको, जरा भरोसा रखो। जा, हम ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना तुमसे। वो अच्छा, आपको कैसे पता चला? पता ना भी होता है तो मेरा व्यवहार बदलता नहीं। उस जीव को हमारी मदद की जरूरत थी। पर राक्षस तो आपके शत्रु है। मेरा कोई शत्रु नहीं हनुमान। अक्सर किसी की जान देना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। किसी को मारकर तुम केवल उसके प्राण नहीं लेते, जो भी उस पर निर्भर है या होगा तुम उनके अधिकार भी छीन लेते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि किसी को मारने से वो अकेला नहीं मरता, उसकी फैमिली भी साथ मर जाती है। लाइक उसके माँ बाप होते हैं, बीवी भाई बहन बेटे बच्चे होते हैं, तो वो एक बंदा जो है ना वो उसके साथ हजारों जिंदगियां जुड़ी होती हैं। सो आज हमने जो है सीता जी के बारे में देखा, इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन कम थी वीडियो, तो उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है कि लाइक उन्होंने जो है एक बहुत लंबा कह लें कि वनवास रखा जिसको कहा जाता है कि अपने फैमिली अपने घर वालों से दूर रही। उसके बाद वो उनको अपने साथ उठा के ले गया। सो उसके बाद जो है राम जी ने उनको बचाया। यही वजह है कि रावण की मौत का सबब भी राम बने कि क्योंकि उन्होंने सीता को जो है उठाया था, उनको तकलीफ पहुंचाई थी, तो इसलिए राम ने अपनी सीता को बचाने के लिए रावण को मारा। एग्जैक्टली, हमने कभी भी मूवीज में या कभी भी कोई उनके बारे में बात सुनी है तो हमेशा राम के साथ सीता का नाम ही लगाया गया और सीता के साथ राम का ही, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अगर कभी आप अकेले सुनो सीता तो आपके ऑटोमेटिकली मुंह में राम आ ही जाता है, और अगर आप कभी राम का नाम सुनो तो ऑटोमेटिकली सीता का नाम आ ही जाता है। तो बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे के अधूरे, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी कि उनके बचपन से बताया गया कि कैसे उनका नाम सीता रखा गया था और क्यों उन्हें सीता कहा जाता था और किस तरह वो जमीन में चली गई थी, ये भी जाने के लिए मिला। सो आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल जी, आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत डिफरेंट थी, और आई थिंक आप सबको इससे बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी आप सबको। सो प्लीज गाइस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।